ओ जी मकाओ विच पहली बार द वन एंड ओनली ओ कमाल है जी बड़ा कुछ हो गया हूं मैं ओ जी जलेबी भाई सब मुझसे पूछते हैं तू कौन देश से आई नाम नाम जलेबी भाई घाघरे के मेरे घाघरे के लिए घमासान मची है बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेसेस मिस शुमार मल्लिका शरावत ने बतौर लीड एक्ट्रेस अपनी पहली ही फिल्म में बोल्ड सीन देकर खूब सुर्खियां बटोरी थी वह अपने लुक्स और बोल्ड सीन्स के अलावा अपने बेबाक बयानों के लिए भी जानी जाती हैं। अपनी एक्टिंग और मेहनत के दम पर एक मुकाम हासिल करने वाली मल्लिका शरावत इस साल 24 अक्टूबर को अपना 47 जन्मदिन मना रही है। तो दोस्तों जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्ट्रेस मल्लिका शरावत के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो और शुरुआत करेंगे मल्लिका शरावत के फैमिली बैकग्राउंड से। मल्लिका शरावत का जन्म 24 अक्टूबर 1976 को हरियाणा के हिसार जिले के मोट नामक एक छोटे से गाँव में एक जाट परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम मुकेश कुमार लांबा है जबकि माँ का नाम संतोष शरावत है। उनका एक भाई भी है जिसका नाम विक्रम लांबा है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली पब्लिक स्कूल मथुरा रोड से की है। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस से दर्शन शास्त्र में डिग्री हासिल की है। उनका रियल नाम रीमा लांबा है लेकिन फिल्मों में आने से पहले उन्होंने अपना नाम बदलकर मल्लिका शरावत रख लिया क्योंकि उस समय बॉलीवुड में रीमा नाम की कई अभिनेत्रियां पहले से ही मौजूद थी। मल्लिका का मतलब रानी होता है और वह चाहती थी कि लोग उन्हें इसी नाम से पुकारे। उनकी माँ का सरनेम शेरावत है इसलिए उन्होंने अपना सरनेम शेरावत रख लिया। इसके पीछे उनका तर्क है कि उनकी माँ ने हर कदम पर उनका साथ दिया है और वह अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती है। इतना ही नहीं उनका कहना है कि उन्हें अपनी माँ का सरनेम रखने में बहुत गर्व महसूस होता है। दोस्तों आपको बता दूं कि मल्लिका शरावत के पिता उन्हें IAS ऑफिसर बनाना चाहते थे। मल्लिका शरावत ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। फिल्मों में काम करने के उनके फैसले से उनके परिवार वाले खुश नहीं थे। उनके पिता मुकेश लांबा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं मल्लिका को एक IAS ऑफिसर बनाना चाहता था लेकिन वह फिल्मों में काम करना चाहती थी। मैं नहीं चाहता था कि वह फिल्मों में काम करे। मल्लिका ने बताया कि जब मेरे परिवार ने मुझे बेदखल कर दिया और मुझे मुंबई आना पड़ा तो वह मेरे लिए सबसे ज्यादा हीनता का पल था। उनके पिता मल्लिका के इस काम के खिलाफ नजर खड़े थे कि उन्होंने अपना सरनेम तक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। उन्होंने साफ कह दिया था कि हमारा सरनेम इस्तेमाल करने का तुम्हें कोई हक नहीं है, मैं तुम्हें बेदखल करता हूँ। मल्लिका इसके लिए भी तैयार हो गई। उन्होंने बताया कि पिता के इस कमेंट के बाद वह अटैची पैक करके सीधे मुंबई पहुंची जहां महेश भट्ट ने फिल्म मर्डर में काम लिया। मल्लिका साथी कहती है कि घर से निकलते समय मेरे पिता ने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि मेरे पास एक भी रुपया है कि नहीं। इसके बाद मल्लिका ने अपने परिवार से मिलना जुलना कम कर दिया और वह त्योहारों के दौरान कभी कभार परिवार से मिलने घर आ जाती थी। हालांकि अब मल्लिका के अपने परिवार के साथ रिश्ते बेहतर हो गए हैं। अब बात करेंगे दोस्तों मल्लिका शरावत के करियर के बारे में। मल्लिका शरावत ने अपने करियर की शुरुआत विज्ञापन से की थी। फिल्मों में आने से पहले वह अमिताभ बच्चन के साथ BPL और शाहरुख खान के साथ पेंट्रो के विज्ञापन में काम कर चुकी थी। इसके बाद उन्होंने निर्मल पांडे के म्यूजिक वीडियो मार डाला हरे हरे गोरे पे पीला परांदा गोरे गोरे मुखड़े पे सोने का बाला और सुरजीत बिंद्राकिया के वीडियो लक तुनु तुनु में भी काम किया। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2002 में तुषार कपूर और करीना कपूर की फिल्म जीना सिर्फ मेरे लिए से की थी। जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए। साल 2003 में वह फिल्म ख्वाहिश से तब सुर्खियों में आई जब उन्होंने इस फिल्म में अभिनेता हिमांशु मलिक के साथ रिकॉर्ड तौर 17 किसिंग सीन लिए थे। लेकिन बॉलीवुड में असली पहचान उन्हें साल 2004 में फिल्म मर्डर से मिली। बादलों से ऊंची उड़ान उनकी, सबसे अलग पहचान उनकी। जो हॉलीवुड फिल्म अनफेथफुल से प्रेरित थी। इस फिल्म के लिए मल्लिका शरावत को बेस्ट एक्ट्रेस के तौर पर जी सिने अवार्ड्स के लिए भी नामांकित किया गया था। इसके बाद उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों में काम किया जैसे बच के रहना रे बाबा, चुटकी में कर दूंगी मैं तुमको अपना राजा, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे बाबा, प्यार के साइड इफेक्ट, शादी से तोड़ के ना जा, मोड़ के ना जा,
शादी से पहले डरना जरूरी है, वेलकम। अगली और पगली मुगले आजम, डबल धमाल और डर्टी पॉलिटिक्स। 36 24 36 7। जूते का साइज देखा है, शर्म नहीं आती, भाभी जैसी हमारी हो। फिल्मों के अलावा उन्होंने कई आइटम सॉन्ग्स में भी काम किया। साल 2007 में फिल्म गुरु में उनका आइटम सॉन्ग माया माया काफी पॉपुलर हुआ था। इसके बाद साल 2011 में वह फिल्म थैंक यू के आइटम सॉन्ग रजिया गुंडों में फंस गई। अल्लाह बचाए मेरी जान, रजिया गुंडों में फंस गई। और फिल्म बिन बुलाए बाराती के आइटम सॉन्ग शालू के ठुमके में नजर आई। साल 2012 में फिल्म तेज में उनका आइटम सॉन्ग लैला भी काफी पॉपुलर हुआ था। बॉलीवुड फिल्मों में काम करने के साथ साथ मल्लिका ने कई हॉलीवुड फिल्म्स में भी काम किया है। उन्होंने हॉलीवुड फिल्मों में अपने करियर की शुरुआत साल 2005 में इंटरनेशनल स्टार जैकी चैन के साथ फिल्म द मिथ से की थी। इस फिल्म में उन्होंने एक भारतीय लड़की का किरदार निभाया था जो जैकी चैन को नदी में डूबने से बचाती है। साल 2010 में उन्होंने फिल्म हिस में काम किया। इस फिल्म में उनके साथ बॉलीवुड एक्टर इरफान खान भी मुख्य भूमिका में नजर आए थे। साल 2010 में मल्लिका शेरावत ने कान फिल्म फेस्टिवल में जिंदा सांपों के साथ इस फिल्म का प्रमोशन किया था। यह फिल्म सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं में भी रिलीज की गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको मल्लिका शेरावत पर बनी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही कमेंट सेक्शन में हैप्पी बर्थडे मल्लिका जरूर लिखें। थैंक यू।